नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज। मैं हूं विनीता मिश्रा। देश में कृषि बिल को लेकर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके समर्थन में आरजेडी भी कल पटना में धरना देगी। पटना के गांधी मैदान में तेजस्वी समेत कई नेता धरने पर बैठेंगे। तेजस्वी ने कहा है कि मैं बिहार के किसान और संगठनों से अपील करता हूं कि इस काले कानून के खिलाफ आप लोग सड़कों पर आएं और इस आंदोलन को मजबूत करें। पंजाब और हरियाणा समेत कई राज्यों के किसान में आक्रोश है। देश भर में मौजूदा सरकार से किसान नाराज हैं। ये किसान विरोधी कानून है। किसानों को सही मूल्य मिलना चाहिए। कई जगहों पर कर्ज में डूबने से किसान आत्महत्या कर रहे हैं। जो अन्नदाता हैं उनके लिए इस तरह का कानून बनाना देश के खिलाफ है। तेजस्वी यादव ने कहा कि किसान शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं, इसके बाद भी उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है। वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किसानों के ऊपर किया जा रहा है, जो कहीं से भी उचित नहीं है। तो तेजस्वी ने आज प्रेस वार्ता किया और प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने साफ कहा है कि कल राजद धरने पर बैठेगा और तमाम लोगों से अपील भी उन्होंने की है कि आप भी इस अभियान को सफल बनाएं। ये जो कृषि बिल है, काला कानून एक तरह का है, इसे वापस लेने के लिए सरकार को मजबूर करें।